डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है कि टॉप 5 केसेस जो एंटी नार्कोटिक सेल ने किए हैं वो एनसीबी को हैंडओवर किया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन, पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिसिटी की गई, जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है, जितना एनसीबी ने काम किया उससे ज्यादा हमारे एंटी नार्कोटिक सेल ने काम करने का काम किया है। अगर आपकी यूनिट है आप काम करिए, काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिट बंद कर दीजिए। किस लिए केसेस ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या राज्य सरकारों का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, या जो उगाही का धंधा एनसीबी में चल रहा था 5 केसेस के जरिए और उगाही करनी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, और सही मानों में आपकी संस्था अगर काम करती है तो 26 जो जाली मामले बनाए गए उसकी जाँच कब होगी, बेगुनाहों को फंसाया गया कब छोड़ा जाएगा, ये सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये साफ हो गया है कि जोनल यूनिट महाराष्ट्र में उगाही का धंधा कर रही है, प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है, और ऐसे में केसेस ट्रांसफर करने की मांग हमें लगता है ये क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा।